हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक्स डॉट इन। तो आज हम लोग बना रहे हैं वेजिटेबल कटलेट, जो कि बची हुई सब्जियों से हम लोग बनाएंगे। जो हमारे घर पे सब्जी जो भी हो, जैसे कि आलू परवल, आलू गोभी या कोई भी सब्जी हो बच जाती है, तो उससे हम लोग ये बना सकते हैं। उसके लिए एक बाउल लेंगे, उसमें हम लोग कुछ पिकल्ड जो हमारे पास मिर्चा होता है वो लेंगे और उसे चॉप करके डालेंगे। फिर कुछ धनिया पत्ता काट के डालेंगे, बॉयल किया कॉर्न डालेंगे, फिर बॉयल किया हुआ एक आलू जो है मीडियम साइज़ का वो डालेंगे, और साथ ही में जो हमारे पास बची हुई सब्जी थी वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें क्योंकि ज़्यादा मसाले आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना सारा मसाला होता है सब्ज़ी में, तो वो टेस्ट को इन्हेंस कर देता है। आप सबको अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा थिकनेस इसका या कंबाइन अच्छे से हो, इसके लिए आप चाहे तो थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बेसन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बाद में उसे स्लरी में यूज़ करने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग कैरेट चॉप करके डालेंगे या फिर ग्रेट करके, जो भी आपको पसंद है, जैसे भी चंक्स आपको पसंद है वैसे डालेंगे। उसके बाद कुछ बीट रूट को भी डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है और साथ ही में टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। और मीनवाइल हम लोग यहाँ पे एक स्लरी तैयार करेंगे, जिसमें 1/4 कप के बराबर मैदा लेंगे और फिर कॉर्न स्टार्च लेंगे और साथ ही में कुछ सीजनिंग डालेंगे, जैसे कि ब्लैक पेपर पाउडर आप डाल सकते हैं, रेड चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे कलर भी अच्छा आता है। अब उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ना ही गाढ़ा ना ही पतला स्लरी जो है वो तैयार करना है। और उसके बाद ये जो ब्रेड क्रम है, मेरे घर में ही ब्रेड बचा हुआ था तो मैंने उसे पीस लिया और वो ब्रेड क्रम तैयार हो गया। अब मीनवाइल जो हमारा जो बैटर जो हमने बनाया था इंग्रेडिएंट, उसमें हम लोग थोड़ी सी सीजनिंग डालेंगे, जैसे नमक हो गया, ब्लैक पेपर चाट मसाला या फिर कोई भी सब्जी मसाला या फिर मैगी मसाला, ये सब आप डाल के उसे मिक्स कीजिए। और ये जो है हमारा कटलेट का तैयार हो चुका है आटा। और अब उसमें हम लोग सेप बनाएंगे, तो कोई भी सेप, जैसे कि आप चाहें तो ब्रेड रोल टाइप का सेप भी बना सकते हैं, और राउंड या फिर चपटा, जैसा भी सेप आपको पसंद है वैसा बनाइए। उसके बाद हम लोग स्लरी में डालेंगे, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम से उसे रैप करेंगे, और उसके बाद हमें शैलो फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने तेल जो यूज़ किया है वो है सरसों का तेल, लेकिन आप कोई भी जो भी तेल आपको पसंद है, एवोकाडो ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल, जो भी तेल आपको पसंद है उसमें आप सेलो फ्राई कीजिए। यहाँ पे आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे सेकना है। अब हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। कोई भी डिप या चटनी के साथ आप इसे सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।